चलिए, तो मैंने आपको स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ा दिया था, और यकीन मानिए अगर आपको स्टेम का आ गया है तो रूट में कुछ भी नया नहीं है। ये तो मुझे उसी दिन खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन मैं बाहर चला गया तो फंस गया। कोई बात नहीं, आज इसको निपटाते हैं। बस एक लिटिल डिफरेंस है यहाँ पे बातों में। क्या है डिफरेंस? देखो, मैं कह रहा हूँ कि जैसे वहां पे, अच्छा पहली बात तो सेकेंडरी ग्रोथ आप डाइकोट में ही पढ़ते हो, मोनोकोट में होता ही नहीं है। और जो मोनोकोट में होता है एक्सेप्शनली, वो आपको याद ही नहीं रखना है ना, मैकेनिज्म और एग्जाम्पल भी नहीं पूछते पूछे जाते हैं। मोनोकोट में आपके लिए नहीं होता है सेकेंडरी ग्रोथ, डाइकोट में भी लीफ में नहीं होता है। स्टेम में आप पढ़ चुके हैं, रूट में आज पढ़ेंगे। कुछ जिम्नोस्पर्म में होता है, लेकिन किसमें होता है, कैसे होता है, मैकेनिज्म क्या है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। जितना बात जानना है प्लांट डाइवर्सिटी में पढ़ा देंगे। यानी कि अभी आपको सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट ही पढ़ना है। तो यहाँ पे भी दो प्रकार का होता होगा, इंट्रास्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ और एक्स्ट्रास्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ। क्वेश्चन इज दैट कि स्टेम में, याद करो जब मैं स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि स्टेम में जो इंट्रास्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेवार है वो वैस्कुलर कैम्बियम रिंग जिम्मेवार है, याद है? और वो वैस्कुलर कैम्बियम रिंग इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से बनता था, याद है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम तो बचपन वाले जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन के प्रोकैम्बियम थे उसी का बचा हुआ हिस्सा था, और जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है वो बाद में बना है। और वो किससे बना था? तो मैंने कहा था उस रीजन के जो भी पेरेन्काइमेटस टिश्यू हैं, जो वैस्कुलर बंडल के बीच बीच में मेडुलरी रे के टिश्यू हैं, वही पेरेन्काइमेटस टिश्यू डीडिफरेंशिएट होकर बने। और फाइनली इंटर और इंट्रा वेसिकुलर कैम्ब में मिलके पूरा का पूरा वीसीआर का फॉर्मेशन किया था। ये हो रहा था किसमें? स्टेम में। रूट में भी वीसीआर होता है, मगर यहाँ वीसीआर दूसरे तरीके से बनता है। यहाँ इंटरफेसिकुलर और इंट्रा वेसिकुलर कैम्बियम नहीं है, फिर कह रहा हूं यहाँ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्रा वेसिकुलर कैम्बियम नहीं बनता है, लेकिन वीसीआर बनता है, वेस्कुलर कैम्बियम रिंग बनता है। तब बोलोगे वेस्कुलर कैम्बियम रिंग काहे बोल रहे हैं? क्योंकि वेस्कुलर बंडल से कनेक्शंस में है लेकिन उससे डायरेक्टली कनेक्शन में नहीं है, तो वेस्कुलर बंडल के नियर बाय है इसलिए वेस्कुलर तो बोलेंगे। वेस्कुलर कैम्बियम, कैम्बियम का मतलब होता है सेकेंडरी ग्रोथ बनाने वाली टिश्यू, और रिंग के फॉर्म में भी है, लेकिन इंटर और इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम नाम का यहाँ पे जैसा कोई चीज नहीं है। क्या है वो अभी मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगा। एक्चुअल में यहाँ कंजक्टिव पेरेन्काइमा और पेरिसाइकल के कुछ टिश्यू मिलके पूरा का पूरा वेस्कुलर कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, डायग्राम से भी समझा। ये तो हुई इसके बाद। फिर वहां पे याद करो मैंने कहा था स्टेम में, याद करो कि एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेवार होता है कॉर्टेक्स की टिश्यू, स्पेशली हाइपोडर्मिस की इनर मोस्ट लेयर और जनरल कॉर्टेक्स की आउटर मोस्ट लेयर, याद है? हाइपोडर्मिस एस्केलेन का सॉरी कोलन कैमेटस होता है मगर सेकेंडरी ग्रोथ में भाग ले लेता है, और जनरल कॉर्टेक्स की सबसे बाहर वाली टिश्यू स्पेशली हाइपोडर्मिस और वो जनरल कॉर्टेक्स की बाहर वाली टिश्यू डी डिफरेंशिएट हो जाती है और बनाती है कॉर्क कैम्बियम, याद आ रहा है? इसको फेलोजेन कह रहे थे। और वही फेलोजेन बाहर की तरफ यानी कि टुवर्ड्स द हाइपोडर्मिस बाहर की तरफ बना रही थी कॉर्क फैलम, उसकी वजह से हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस मर जा रहा था, बाद में लेंटिसल का भी फॉर्मेशन हो रहा था। अंदर की तरफ बना रही थी सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिससे प्राइमरी कॉर्टेक्स भी दब रहा था, और फाइनली वो प्रेशर उधर प्राइमरी फ्लोएम पे भी पहुंच रहा था। ऐसा मैंने आपको बताया था स्टेम में, एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ में स्टील के बाहर सब काम हो रहा था, क्योंकि स्टील होता है एंडोडर्मिस के बाहर वाला रीजन, सॉरी एक्स्ट्रा स्टील होता है एंडोडर्मिस के बाहर वाला रीजन और स्टील होता है एंडोडर्मिस के अंदर वाला। तो वहां तो सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन क्योंकि वहां पे कॉर्टिकल कैम्बियम बना भी था कॉर्टेक्स में जो कि एंडोडर्मिस के बाहर था। अब यहां पे मैंने क्या लिखा कि एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट रूट में कॉर्क कैम्बियम की वजह से होता है, और वो कॉर्क कैम्बियम जो होता है वो एक्चुअल में पेरिसाइकल ही कॉर्क कैम्बियम की तरह एक्ट करता है। क्या कह रहा हूं मैं? पेरिसाइकल एक्ट एज कॉर्क कैम्बियम। अब मुझे पता है कि आप सवाल खड़ा करोगे, क्या सवाल खड़ा करोगे, समझ रहे हैं? बस रूट में यही पॉइंट समझाना है, बाकी सब कुछ आपको आता है, बस यही पॉइंट समझाना है, समझ रहे ध्यान से? आप बोलोगे सर आप कहते हैं कि स्टील का मतलब क्या होता है, बताओ स्टील का मतलब क्या होता है, टेक्निकली स्टील का मतलब क्या होता है? एंडोडर्मिस के अंदर वाला रीजन, बोलो पूरा रीजन का नाम बोलो। पेरिसाइकल पेरिसाइकल पिथ एक मिनट रुक जाओ आराम से। पेरिसाइकल
प्लस पीथ मेडुलरी रे, पीथ एंड मेडुलरी रे प्लस वेस्कुलर बंडल, राइट वेस्कुलर बंडल और कुछ नहीं, ठीक है वेस्कुलर बंडल। ये होता है स्टील एंडोडर्मिस के अंदर वाला रीजन, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा है तो आप कहोगे सर पहली बार तो इंट्रास्टीलर में अगर पेरी साइकिल का नाम आया चलेगा, कोई बात नहीं सर। कंजक्टिव पेरेन्कामा क्या होता है बता दूं, अभी बता दूंगा। वेस्कुलर बंडल के बाजू में होता है, बगल में। तो बोलोगे सर वो भी इंट्रास्टीलर का पार्ट है, चलो वो भी समझ में आ गया। तो सर यहाँ पे जो VCR इंट्रास्टीलर सेकेंडरी कोर्स में भाग ले रहा है इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सर क्योंकि आप कह रहे हैं कि कंजक्टिव पेरेन्कामा वेस्कुलर बंडल के आजू बाजू वाले टिश्यू होते हैं जो भी डायग्राम में दिखाएंगे, तो वो भी स्टील रीजन में है, पेरिसाइकल खुद भी स्टील रीजन में है और वही दोनों मिलकर VCR बना रहे हैं और वो VCR इंट्रास्टीलर सेकेंडरी कोर्स का जिम्मेवार है, नो डाउट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए यहाँ तक डाउट। अतीक, रिभा, रारेश्वरी, विवेक, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब देखो डाउट कहाँ आएगा, आएगा जब दोबारा नोट्स रिवाइज करोगे ना, आओगा आएगा डाउट और मुझे मैसेज करोगे, मुझे पता है। आज ही सुन लो कान खोल के, और जब भी ये डाउट पूछोगे तो मैं डायरेक्ट लिंक भेजूंगा वीडियो का कि वीडियो देखो, डाउट नहीं बताऊंगा, सुन लो आज ही कान खोल। जब भी बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बाद में नोट्स पढ़ते हैं, तो बच्चे अक्सर यहाँ अटकते हैं। उसको यहाँ लिखा मिलता है पेरिसाइकल एक्ट एज कॉर्क कैम्बियम एंड पेरिसाइकल पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट। और फिर बच्चा डाउट पूछता है सर पेरिसाइकल इज द पार्ट ऑफ स्टील, तो पेरिसाइकल एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ में भाग कैसे ले रहा है, तो इंट्रा स्टीलर में ले सकता है। कितने बच्चों को डाउट समझ में आया यहाँ तक, कितने बच्चों को डाउट समझ में आया, याद करा? अब समझो चक्कर क्या है। चक्कर ये है कि डाइकोट रूट में जब प्लांट मैच्योर होता है, सेकेंडरी ग्रोथ कब होता है, एडल्ट स्टेज के बाद ही होता है ना, यानी कि उडी प्लांट में होता है, नॉट इन हर्बेसियस प्लांट, ठीक है, यंग प्लांट में नहीं होता, ओल्ड प्लांट, यानी कि उडी स्टेज में जब वो पहुंच गया तब, नॉट इन हर्बेसियस स्टेज। आपको मैं बता दूं बच्चों कि जब मैं डायग्राम के जरिए आपको समझाता हूँ, आप डायग्राम के जरिए चलो आपको दायरा समझ में आएगा। सबसे बाहर में एपिडर्मिस बना दूं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, एक मिनट, ये क्या है एपिडर्मिस, आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, एपिडर्मिस ये सब तो आपको पता है पहले से। चलो इसके जस्ट अंदर में क्या बना दूं, रिभा इसके जस्ट अंदर क्या बना दूं, जल्दी बोलो, एपिडर्मिस। हालांकि 3 से 5 लेयर होता है, लेकिन उतना मेरे पास समय नहीं है कि मैं 3 से 5 लेयर आपको बना के यहाँ पे दिखाऊं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग की एपिडर्मिस है, उसी में 3-4 लेयर को फील कीजिए, ठीक है। चलो उसके अंदर क्या बनाएंगे राजेश्वरी, जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स मुझे पता है कि कॉर्टिकल टिश्यू इस टाइप से यहाँ पे बिखरे पड़े होंगे, तो लो मैं बिखरे हुए ही बनाता हूँ इस टाइप से, कॉर्टिकल टिश्यू, जनरल टिश्यू, जनरल कॉर्टेक्स इस टाइप से यहाँ पे बिखरे पड़े होंगे, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा इसके अंदर क्या होगा अतीक, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस ठीक है, ये है एंडोडर्मिस। सर सर हाइपोडर्मिस स्टेम का मतलब कैरेक्टरिस्टिक होता है, रूट में नहीं होता है। अरे अरे हाँ ये बस सही बोली, सही याद दिलाई, हाइपोडर्मिस है कहाँ से आ जाएगा, रुक जाए, सही सबा सही याद दिलाई, फ्लो में अगर मैंने बता दिया तो आपको याद दिलाना चाहिए कि हाइपोडर्मिस स्टेम में नहीं होता, एपिडर्मिस का डायरेक्ट जनरल कॉर्टेक्स, रूट पर रहे आप ना कि स्टेम, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हो गया एपिडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद क्या होगा विवेक, जल्दी विवेक सुन पा रहे हो, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या इसका, सुन पा रहे हो विवेक, नहीं सुन रहा, स्टैटिक है वो। रिभा एक्स्ट्रा सॉरी यहाँ पे एंडोडर्मिस के अंदर क्या होगा, पेरिसाइकल। पेरिसाइकल ये रहा पेरिसाइकल, ठीक है। अब समझो पहले मैं चीजों को लिख देता हूँ, यही पार्ट समझने का है, जो ये स्लाइड समझ गया फिर तो मैं टिक्की करके आगे बढ़ जाऊंगा। ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस है, ये जनरल कॉर्टेक्स है,
जीसी लिख दूं चलेगा? जनरल कॉर्टेक्स है, ये एंडोडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस है, और ये पेरिसाइकल है, ठीक है। चलो अब उसके अंदर पेरिसिवसियली पेरिसाइकल, अब उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम यानी कि वेस्कुलर बंडल अरेंज है। अच्छा अतीक, रूट में कैसा अरेंजमेंट होता है वेस्कुलर बंडल का? रेडियल, कॉन्जॉइंट, कॉन्सेंट्रिक? कॉन्जॉइंट। रूट में कौन ज्वाइंट? सर रूट में रेडियल होता है। रेडियल। रेडियल का मतलब क्या है यहाँ पे? रेडियल में मतलब कि रेडियल एक्सिस पे जाइलम फ्लोएम अरेंज होगा, ठीक है। लेकिन रेडियल एक्सिस का मतलब कि सेम रेडियल एक्सिस पे नहीं होगा, डिफरेंट रेडियल एक्सिस पे होगा, ठीक है। और उसमें भी जाइलम होगा अंदर अंदर की तरफ, फ्लोएम होगा बाहर बाहर की तरफ। कैसे? तो समझना, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। ये मान लो कि फ्लोएम है, तो अगर ये फ्लोएम है, ये पी लिख दिया मैंने, अगर ये फ्लोएम है तो यहीं पे जाइलम नहीं होगा, उसके बगल में होगा, डिफरेंट रेडियल एक्सिस से, और थोड़ा सा अंदर की तरफ होगा, लाइक दिस। ये जाइलम है, समझ रहे हो? लो मैं एक काम करता हूँ कि ब्लैक कलर से फ्लोएम बना देता हूँ और डिफरेंट कलर से बना दूंगा जाइलम। ये मान लो फ्लोएम है, ये मान लो एक फ्लोएम है, ये मान लो फ्लोएम है, बंडल है लेकिन एक ही बंडल में दोनों नहीं है, जाइलम फ्लोएम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बगल में मैं क्या बना दूं? जाइलम, लेकिन जाइलम थोड़े से अंदर की तरफ है, देखो दिख रहा है, जाइलम थोड़े से अंदर की तरफ है, दिख रहा होगा आपको। पहली बात तो डिफरेंट रेडियल एक्सिस पे, और जाइलम और फ्लोएम जो डिफरेंट रेडियल एक्सिस पे, रेडियल एक्सिस का डिस्टेंस सेम नहीं, ठीक है। ये जाइलम है, एक्स लिख दिया मैं, जाइलम है, ठीक है। अब आप देखो, चूंकि यहाँ पे डिफरेंट रेडियल एक्सिस पे नहीं है और रेडियल एक्सिस का डिस्टेंस भी सेम नहीं है, तो जाइलम अंदर, फ्लोएम बाहर। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कंजक्टिव टिश्यू किसको बोल रहे थे वेस्कुलर बंडल के बीच में, ना फ्लोएम के जस्ट बाहर बाहर जो टिश्यू है, ये देख रहा, फ्लोएम के जस्ट बाहर बाहर ये टिश्यू, ये वाली, सॉरी फ्लोएम के जस्ट अंदर अंदर, एक मिनट, फ्लोएम के जस्ट अंदर अंदर जो टिश्यू है ये वाली, एक मिनट को, पेरिसाइकल ये रहा, मैं बता रहा हूं, पेरिसाइकल ये पूरा रहा, हाँ ये रहा कंजक्टिव पैरेन्काइमा, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम। अब समझना, ये जितने भी मैंने पीला कलर से बनाया, इसमें एक एक सेल पैरेन्काइमेटस सेल है, इसी को बोल रहे हैं क्या, कंजक्टिव पैरेन्काइमा, समझते चलना ध्यान से, यही है कंजक्टिव पैरेन्काइमा। और ये कंजक्टिव पैरेन्काइमा चारों ओर से फ्लोएम को इस तरीके से घेर लिया, ऐसे, कैसे, ऐसे ऐसे करके फ्लेम को घेरी हुई है, समझना ध्यान से, ऐसे करके फ्लेम को घेरी हुई है। और ये पेरेन्काइमेटस नेचर की है, ये पेरेन्काइमेटस नेचर की है। विवेक, अगर तुम्हारा नेटवर्क बार बार आ रहा है और जा रहा है तो इसका तुम्हें पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, आज का रिकॉर्डेड देख लेना, क्योंकि चीजें चल रही है कनेक्टेड। बेटर होगा कि तुम क्लास लीव कर दो, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, आराम से रिकॉर्डेड देख लेना, समझ रहे हो विवेक? तो ये क्या कनेक्टिव पैरेन्काइमा, अब समझना ध्यान से, ये कनेक्टिव पैरेन्काइमा ये फ्लोएम को तो घेरा ही घेरा, मतलब फ्लोएम के अंदर की तरफ से और जाइलम के बाहर की तरफ से, दिख रहा है, फ्लोएम के अंदर की तरफ से और जाइलम के फ्लोएम उसके बाहर की तरफ से। मगर ये मेनली कहाँ होता है, जहां पे फ्लोएम अंदर की तरफ, मतलब कि इस तरीके से जो मैंने अभी डायग्राम बनाया, इसी को बोलते हैं हम लोग कनेक्टिव पैरेन्काइमा। एक्चुअल में कनेक्टिव पैरेन्काइमा यही है जो फ्लोएम के अंदर अंदर है और फ्लोएम को चारों ओर से घेरे हुए, कंजक्टिव पैरेन्काइमा। अब समझना ध्यान से, हम यहाँ पे वीसीआर बनाने वाले हैं, कंजक्टिव पैरेन्काइमा, फिर हम आएंगे पेरिसाइकल पे भी कि वो एक्स्ट्रास्टियर पे भाग कैसे लेता है, ठीक है। ये कंजक्टिव पैरेन्काइमा। अब मुझे एक बात बताओ, कंजक्टिव पैरेन्काइमा अभी आपको स्टील रीजन में दिख रहा है या आउट फ्रॉम द स्टील रीजन दिख रहा है? राजेश्वरी, कंजक्टिव पैरेन्काइमा आपको स्टील में दिख रहा है या आउट फ्रॉम द स्टील दिख रहा है? स्टील में दिख रहा है। अब समझना, ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक ये कंजक्टिव पैरेन्काइमा, यहां से लेके यहां तक कंजक्टिव पैरेन्काइमा, यहां से लेके यहां तक कंजक्टिव पैरेन्काइमा, यहां से लेके यहां तक कंजक्टिव पैरेन्काइमा। इसके बीच में जो पेरिसाइकल का हिस्सा फंस गया, मेंटलाइन कर दो उसको ग्रीन कलर से, ये वाला, इसके बीच में जो पेरिसाइकल का हिस्सा फंस गया, ये वाला, इसके बीच में जो पेरिसाइकल का हिस्सा फंस गया, ये वाला, इसके बीच में जो पेरिसाइकल का हिस्सा फंस गया, ये वाला,
ये पेरिसाइकल ही है, वो पेरिसाइकल ही है, लो लिख देता हूं पेरिसाइकल। मगर वो पेरिसाइकल आपको पता है पेरिसाइकल भी पेरेन्काइमेटस ही है, सॉरी रूट है, हाँ रूट में पेरेन्काइमेटस। तो ये पेरिसाइकल जो उस कनेक्टिव टिश्यू के बीच बीच में फंसा है, वो पेरिसाइकल और खुद कनेक्टिव पेरेन्कामा दोनों डीडिफरेंशिएट होती है और दोनों मिलकर बनाती है कॉर्क कैम्बियम और दोनों बनाती है सेकेंडरी मेरिस्टम। और आप देख लो यही जो पूरा है, मैं एक बार अंडरलाइन कर रहा हूं फिर मैं मिटा दूंगा, ये यही जो पूरा है जो इनिशियली वेव लाइक फॉर्म में है, रिंग वेव लाइक फॉर्म में है, वही है वीसीआर। यही दोनों मिलकर क्या बना रहा है, वेस्कुलर कैम्बियम रिंग। यानी कि ये दोनों एक्चुअल में मिलकर बना नहीं रहा है, इन्हीं के टिश्यू डी डिफरेंशिएट होकर सेकेंडरी मेरिस्टम बनाएंगे जो कैम्बियम कहलाएगा, इन्हीं के टिश्यू डी डिफरेंशिएट होकर सेकेंडरी मेरिस्टम बनाएंगे। मगर आपको ये तो पता होना चाहिए कि सेकेंडरी मेरिस्टम बना कौन रहा है, वेस्कुलर कैम्बियम ही सेकेंडरी मेरिस्टम और प्योर सेकेंडरी मेरिस्टम है रूट में, और वो जिम्मेवार है किसके लिए, इंट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। यानी कि इंट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ की तैयारी के नाम पर यहाँ पर भी वीसीआर बनेगा, मगर यहाँ पे किसी भी प्रकार का इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जैसी कोई चीजें नहीं है। यहाँ पे कंजक्टिव पेरेन्कामा नाम का कोई चीज है जो फ्लोएम के अंदर अंदर है, फ्लोएम को अंदर अंदर सराउंड कर लिया और फ्लोएम को बाहर की तरफ कर दिया, मतलब कि कंजक्टिव पेरेन्कामा जाइलम फ्लोएम को एक तरीके से सेपरेट कर दिया, और जो कंजक्टिव पेरेन्कामा के बीच बीच का हिस्सा पेरिसाइकल वाला हुआ, उन्होंने भी अपने टिश्यू को उस कदर डिफरेंशिएट किया सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जिस कदर कंजक्टिव पेरेन्कामा ने अपने आप को डिफरेंशिएट किया, और दोनों ने मिलकर स्टील रीजन में बनाया एक वेव लाइक अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू, कॉर्क टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू। और वो जो पूरा वेव लाइक अरेंजमेंट है सेकेंडरी मेरिस्टम का, वही है वैस्कुलर कैम्बियम रिंग। इनिशियली ये वेव ही है, बाद में सर्कुलर हो जाएगा, कैसे होगा देखना अभी बताएंगे। तो मुझे बताओ इंट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ में कंजक्टिव पेरेन्कामा और पेरिसाइकल किस कदर भाग ले रहा है, यह आई थिंक अब आपको क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, और इसमें डाउट तो था भी नहीं, डायग्राम के जरिए समझाया। डाउट तो ये था कि सर ये पेरिसाइकल जो कि स्टील रीजन का हिस्सा है, और आप कह रहे हैं कि ये पेरिसाइकल एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ में भाग ले रहा है, ऐसा कैसे? तो सुन लो कान खोल के, ये बात मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी में बताऊंगा। पहले इंट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, सुनना ध्यान से क्या कह रहा हूं, पहले इंट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, और जब इंट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होगा तो वही कहानी होगी जो रूट में होता था। ये जो है कौन, ये कंजक्टिव पेरेन्कामा हो चाहे ये वाला पेरिसाइकल का जो सेकेंडरी मेरिस्टम वाला, ये पूरा वीसीआर का पार्ट बोलो, पीला वाला वीसीआर और ग्रीन वाला वीसीआर, बाहर की तरफ क्या बनाएगा सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की तरफ बनाएगा सेकेंडरी जाइलम। और अगर ऐसा है तो इससे अंदर की तरफ तो प्रेशर पड़ने से जाइलम वगैरह सेंटर की तरफ आ जाएगा और पीथ मेडुलरी रे गायब होने लगेगा, इसमें कोई बड़ा बात नहीं। लेकिन इससे जो बाहर की तरफ प्रेशर पड़ेगा, तो बाहर की तरफ तो कौन है, बाहर की तरफ है एंडोडर्मिस। और सुनना ध्यान से, अभी भी पेरिसाइकल का वो हिस्सा जिसको मैं इस कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, किस कलर से करूँ, ब्लू से कर देता हूँ, चलेगा? पेरिसाइकल का वो हिस्सा जो ब्लू कलर से, ये वाला, इससे करते हैं, ये वाला दिख रहा है, पेरिसाइकल का ये वाला हिस्सा दिख रहा है जी, पेरिसाइकल का ये वाला हिस्सा दिख रहा है, पेरिसाइकल का ये वाला हिस्सा, ये खुद क्या करेगा, डी डिफरेंशिएट होगा, और डी डिफरेंशिएट होकर ये पेरिसाइकल का हिस्सा खुद, ये डी डिफरेंशिएट होकर अब ये खुद क्या बन जाएगा, कॉर्क कैम्बियम। तब बोलोगे सर ये कॉर्टिकल रीजन में तो नहीं बना ना, क्योंकि कॉर्टिकल रीजन का आउटर एंटर इनर मोस्ट बाउंड्री एंडोडर्मिस अभी भी है, नहीं है एंडोडर्मिस, यही मैं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि जब ये ब्लू वाला पेरिसाइकल डी डिफरेंशिएट होकर कॉर्क कैम्बियम बनाएगा, उससे पहले ही ये ग्रीन वाला और ये येलो वाले वैस्कुलर कैम्बियम रिंग के वजह से जो इंट्रास्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ होगा, उसके वजह से बाहर की तरफ जो प्रेशर लगेगा, उसके वजह से एंडोडर्मिस गायब हो चुका होगा। और अब देखो आप, अगर ऐसा हुआ तो क्या ये ब्लू वाला रीजन जो पेरिसाइकल है, जो कॉर्क कैम्बियम बनाएगा, कॉर्क कैम्बियम की तरह एक्ट करेगा, यूं बोलो डी डिफरेंशिएट, क्या वो कॉर्टिकल रीजन में आ गया या नहीं आ गया, क्या उसको अब हम कॉर्क कैम्बियम बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, क्या वो एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ में भाग ले रहा है या नहीं ले रहा है। कितनों को समझ में आया क्यों बोला एक्स्ट्रा स्टीलर,
अतीक समझ में आया? यस सर। रिभा? नहीं। राजेश्वरी? यस सर। रिभा माइक ऑन करो। यस सर। लास्ट क्लास जो जब तुम लास्ट क्लास स्टेम वाला हुआ था पूरा लाइव किए थे कंप्लीट? हाँ सर, मतलब यहाँ पे इंट्रो डांस ये बोलो। हाँ बोलो। बोल रहे कि आप मतलब एक्स्ट्रा स्टिल बोलने के कारण यहाँ पे यही ना है कि एंडोडर्मिस खत्म हो गया इसलिए बोल रहे थे। हाँ लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि एंडोडर्मिस खत्म क्यों हुआ, क्यों हुआ तो? मतलब वो मतलब बना रहा था, वो क्या बना रहा था इसके वजह से, कुछ बना रहा इसके वजह से। आप पेरिसाइकल को बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा स्टिलस करने को तुम्हें भाग ले रहा है, बस सही है कि एंडोडर्मिस गायब हो गया। लेकिन कोई आपसे पूछ देगा कि एंडोडर्मिस क्यों गायब हुआ एक्स्ट्रा स्टिलस सकने को स्टार्ट होने के पहले, एंडोडर्मिस गायब कैसे हो गया? पहले तो था ना, तो गायब कैसे हुआ? हालांकि पूरी तरीके से गायब नहीं होता लेकिन मेजर पार्ट उसका गायब हो जाता है, लेकिन गायब कैसे हुआ ये तो पता होना चाहिए ना आपको। कंसंट्रेशन नहीं है क्लास में, बताओ राजेश्वरी कैसे हुआ? सर जब इंट्रास्टीलर ग्रोथ कर रहा था सर, तो उसके वजह से जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वहां पे, उसी की वजह से एंडोडर्मिस वहां पे खत्म हो गया। रिभा माइक ऑन करो। यस सर। ये देखो ये पहले था यहाँ पे आपका एंडोडर्मिस था, हाँ, और उससे पहले ये वाला सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो गया था इंट्रास्टीलर इस ग्रीन वाले के वजह से भी और इस येलो वाले के वजह से भी, ये सुनो। तो जो बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लेम बन रहा था उसका प्रेशर क्या एंडोडर्मिस पे पड़ रहा था? हाँ। और उस प्रेशर की ही वजह से एंडोडर्मिस गायब हुआ, उस प्रेशर की ही वजह से एंडोडर्मिस गायब हुआ, और उस प्रेशर की वजह से जब एंडोडर्मिस गायब हुआ, उस प्रेशर की वजह से येलो एंडोडर्मिस गायब हुआ, और जब एंडोडर्मिस गायब हुआ तब जाके ये वाला टिश्यू ब्लू वाला जो पेरिसाइकल का वो हिस्सा जो वीसीआर का पार्ट नहीं बना है वो कॉर्क कैम्बियम की तरह एक्ट करने लगा। अब समझ में आया? और यही कॉर्क कैम्बियम की तरह एक्ट करके मैंने कहा भी था कि रूट में बाहर की तरफ कॉर्क वगैरह आपको नहीं दिखने वाला, तो फिर यहाँ पे ये जो कॉर्क कैम्बियम की तरह एक्ट करेगा ये बनाएगा क्या? क्योंकि रूट में एपिडर्मल सेल और कॉर्टिकल सेल डिस्ट्रॉय नहीं होने वाली है, वाटर एब्जॉर्प्शन उसी का काम है। वहां पे तो क्या होता था कि कॉर्क कैम्बियम बनने के बाद कॉर्क बनता था बाहर की तरफ और वो डेड टिश्यू होते थे, और वो कॉर्क बनने की वजह से हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस गायब, हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस गायब हो जाती थी। मगर रूट में ऐसा नहीं होने वाला है, रूट में तो एपिडर्मिस और कॉर्टिकल टिश्यू है जो यहाँ पे जनरल कॉर्टेक्स वो तो रहेंगे। तो क्वेश्चन इज दैट कि फिर ये पेरिसाइकल की तरह पेरिसाइकल कॉर्क कैम्बियम की तरह करके करेगा क्या, बनाएगा क्या? तो सुनना ध्यान से, ये बनाएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेडुलरी रे। क्या बनाएगा? प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेडुलरी रे, मतलब कि बेसिकली ये प्राइमरी नहीं सेकेंडरी मेडुलरी रे बोलो, कि जो भी मेडुलरी रे इधर थे उस मेडुलरी रे को ये कनेक्ट करेगा। कैसे? समझना, ये इधर भी मेडुलरी रे बनाएगा, इधर भी मेडुलरी रे बनाएगा, और यहाँ पे जो फ्लोएम है उस फ्लोएम को ये जाइलम के साथ मतलब पूरी तरीके से चारों ओर से मेडुलरी रे बनाएगा। और मेडुलरी रे बनाना इसकी जरूरत है, क्यों जरूरत है? अब मेडुलरी रे बना बना के जो भी वाटर और मिनरल्स आ रहे हैं उधर से, उस वाटर मिनरल्स को उस मेडुलरी रे के जरिए सेंटर की तरफ पहुंचाओ, जाइलम की तरफ पहुंचाओ और फ्लोएम की तरफ पहुंचाओ। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये जो कंजक्टिव एपेरिसाइकल कॉर्क कैम्बियम की तरह एक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉर्क कैम्बियम की तरह एक्ट कर रहा है तो बाहर की तरफ कॉर्क बनाएगा। हाँ माइनर क्वांटिटी में कॉर्क भी बनेंगे, ये बात भी सच है, माइनर क्वांटिटी में, नॉट इन मेजर क्वांटिटी। और माइनर क्वांटिटी में ये कॉर्क बना के इवन लेंटी सेल भी बनाएंगे। मैंने आपको ये भी बोला था कि लेंटी सेल रूट में भी मिलता है मगर स्टेम के जितना नहीं मिलता है, क्योंकि जब कॉर्क ही नहीं बनेगा तो लेंटी सेल कहां से बनेगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? में क्या कह रहा हूं, लेंटी सेल कॉर्क बनने के बाद ही बनेगा ना। तो यहाँ पे रूट का चूंकि एक्स्ट्रा स्टिलर सेकेंडरी ग्रोथ बिल्कुल अलग तरीके से हो रहा है, आपको लग रहा है ऐसा थ्योरी लिखने के बाद कि एक्स्ट्रा स्टिलर सेकेंडरी ग्रोथ पेरिसाइकल की वजह से हो रहा है, तो आपको ये थ्योरी पढ़ के ऐसा लगेगा कि
कि अरे ये तो गलत है, गलत नहीं सही है। एक्स्ट्रा स्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ पेरिसाइकल के उस हिस्से से हो रहा है जो वीसीआर का पार्ट नहीं बन पाया, और एक्स्ट्रा स्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होने से पहले ही इंट्रा स्टेलर स्टार्ट हो जाता है, और वो इंट्रा स्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ बाहर की तरफ जब बना रहा होता है सेकेंडरी फ्लेम, तो उस प्रेशर की वजह से पहले ही एंडोडर्मिस गायब हो जाता है, तो पेरिसाइकल आउट फ्रॉम द स्टील हो जाता है जो कि इनसाइड द स्टील करा रहा था, क्योंकि अब वो बाउंड्री ही नहीं रहा जो स्टील को डिफाइन करता था, वो बाउंड्री एंडोडर्मिस था, अब वो बाउंड्री ही नहीं रहा जो स्टील को डिफाइन करेगा, तब हम कह सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ का जिम्मेवारी लिया है पेरिसाइकल, लेकिन नॉट कंप्लीट पेरिसाइकल। तो क्वेश्चन आएगा, इन रूट पेरिसाइकल पार्टिसिपेट्स इन, ध्यान से, इन रूट पेरिसाइकल पार्टिसिपेट्स इन फर्स्ट ऑप्शन इंट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंड ऑप्शन एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ, थर्ड ऑप्शन बोथ, फोर्थ ऑप्शन नन। सब कोई माइक अपना अपना ऑन करो और जल्दी से बताओ आंसर। अभी तो आपको बोर्ड पे लिखा हुआ आसान लग गया, अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा, टेस्ट करते हैं। पेरिसाइकल इन डाइकोट रूट, पहले तो पढ़ लेना डाइकोट है कि मोनोकोट, नहीं तो बेवकूफ बना देगा तुमको, लंबा चौड़ा लैंग्वेज दे देगा, लास्ट में मोनोकोट घुसा देगा, आंसर होगा कि मोनोकोट में सेकंडरी ग्रोथ होता ही नहीं है, समझ रहे हो, तुम्हारा टाइम वेस्ट करा देगा एग्जाम में, पहले पढ़ लेना क्वेश्चन डाइकोट रूट का ही। इन डाइकोट रूट पेरिसाइकल फॉर्म्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू पेरिसाइकल पार्टिसिपेट्स इन विच टाइप ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट, ऑप्शन आर सेम, ऑप्शन आर सेम, एक्स्ट्रा स्टीलर, इंट्रा स्टीलर, बोथ, नन, इंट्रा स्टीलर, बहुत बढ़िया, इंट्रा स्टीलर। रीवा तुमको नहीं आया? हाँ नहीं समझे तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनो ना तब समझोगे। पेरिसाइकल इन डाइकोट रूट पेरिसाइकल फॉर्म सेकेंडरी एंड प्राइमरी, सॉरी सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू पेरिसाइकल पार्टिसिपेट्स इन दिस टाइप ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट। अब बोल, कम से कम आप तो बोल लो। अरे भैया क्या कर रहे हो यार, अगर पेरिसाइकल का ये वाला हिस्सा, ग्रीन वाला हिस्सा है, वो वीसीआर का पार्ट है, और वीसीआर की वजह से सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लेम बन रहा है, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लेम बन रहा है और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रीन वाला पेरिसाइकल की बात कर रहा है, और वो ग्रीन वाला पेरिसाइकल तो वीसीआर का पार्ट है और वो इंट्रास्टीलर में भाग ले रहा है। अब समझ में आया रिवर्स के व्यू? नहीं आया आया तो अगला क्वेश्चन का जवाब तुम दोगे। नेक्स्ट, पेरिसाइकल एक्ट एज कॉर्क कैम्बियम, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू पेरिसाइकल पार्टिसिपेट्स इन सेकेंडरी, विच टाइप ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट, ऑप्शन सेम, एक्स्ट्रा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी तुम ही दो। पेरिसाइकल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मेडुलरी रे इन डाइकोट रूट, from this point of view pericycle participates in which type of secondary growth in dicot root? फिर बहुत गलत कर दी, फिर गलत कर दी। अरे भैया ये केवल ब्लू वाला ही पेरिसाइकल सेकेंडरी मेडुलरी रे बनाने में भाग लेगा, ना कि ग्रीन वाला। ग्रीन वाला तो सेकेंडरी जाइलम और फ्लेम बनाने में भाग ले रहा है। बोलो बोलो रिबा। समझ गया। क्या समझिए बताओ, ग्रीन वाला और ब्लू वाला में डिफरेंस है कि सेम है? डिफरेंस है, ग्रीन वाला जाइलम फ्लेम बनाएगा और वो जाइलम कौन सा, प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी। और ब्लू वाला मेडुलरी रे बनाएगा, अभी तो बताया सेकेंडरी मेडुलरी रे बनाएगा, तो दोनों ही डी डिफरेंशिएट होकर कॉर्क कैम्बियम बना रहे हैं, लेकिन ब्लू वाला जो डी डिफरेंशिएट होकर बनाएगा वो कॉर्क कैम्बियम बनाएगा, और जो ग्रीन वाला है वो डी डिफरेंशिएट होकर वैस्कुलर कैम्बियम का हिस्सा बनाएगा, और दोनों ही पेरिसाइकल। इसीलिए आंसर जाता है कि पेरिसाइकल पार्टिसिपेट इन बोथ इंट्रास्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ और एक्स्ट्रास्टीलर, बट अगर फंक्शन स्पेसिफाई कर देगा, टिश्यू का नाम स्पेसिफाई कर देगा कि सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान क्या प्रोडक्ट बना रहा है पेरिसाइकल, तो आप बहुत आंसर नहीं कर सकते।
आपको सोचना पड़ेगा कि क्या बोला जा रहा है। बोलो, तो यहाँ इसका स्क्रीनशॉट गली से पहले यहां तक की चीजों को ढंग से लो, फिर अगले मीटिंग में तो एक झटके में हम खत्म कर देंगे पूरा। अब यहां तक जो मैंने जो बताया इसको एक बार मैं आपके नोटबुक से दिखा देता हूँ, नोटबुक में भी लिखा हुआ है चीजें, तब जाके अभी डायग्राम के जरिए आपको सेकंड ग्रोथ दिखा दे। ये तो स्टेम का है, डाइकोट रूट दिख रहा है, देखो। तो यहाँ पे क्या है कि बाहर का हिस्सा नहीं बनाया गया, आप चाहो तो बना, ये पूरा काला वाला पेरिसाइकल है, समझना ध्यान से, ये पूरा वाला पेरिसाइकल है, ठीक है। अब क्या है कि फ्लोएम के अंदर अंदर तो ये क्या है, ये फ्लोएम के अंदर अंदर तो क्या है बताओ, ठीक और ये पूरा क्या है, ये वैसे तो पूरा पेरिसाइकल है, राइट, यस और नो, ये पूरा पेरिसाइकल, लेकिन इसमें जाइलम के बाहर बाहर वाला हिस्सा, ये जाइलम के बाहर वाला हिस्सा, ये वाला पेरिसाइकल, जाइलम के बाहर वाला हिस्सा, ये वाला पेरिसाइकल, जाइलम के बाहर वाला हिस्सा, ये वाला पेरिसाइकल, केवल ये क्या बन जाएगा, ये वाला और ये येलो वाला, ये दोनों मिलके वैस्कुलर कैम्बियम रिंग का हिस्सा बना देगा। बोलो, पेरिसाइकल ही है, यस और नो, वो पेरिसाइकल ही है। देखो यहाँ पे एरो गलत है, ये एरो सही लगाओ, ये एरो यहाँ पे गलत है, ये वाले एक मिनट रुक जाओ, पार्ट ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, अरे डबल एरो लगा दे, ये एरो नहीं होगा, ये एरो, अच्छा अच्छा समझ गया समझ गया, मैं बता रहा हूँ एरो सही था, देखो बता रहा हूँ मैं, ये जो एरो है ये एरो एक्चुअली इस पूरे पेरिसाइकल के लिए, कि ये लेयर पेरिसाइकल है, समझ में आया, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो डायग्राम में चिपकाना है, ये पूरा लेयर पेरिसाइकल है, और ये जो बता रहा है कि ये वाला हिस्सा, ग्रीन वाला हिस्सा पेरिसाइकल का, केवल ये वाला हिस्सा वैस्कुलर कैम्बियम बनाने में भाग लिया, और ये तो खैर पूरा कंजक्टिव पेरेन्काइमा है, ये कंजक्टिव पेरेन्काइमा, वो भी वैस्कुलर कैम्बियम निकल रहा है, फाइनली एक वेवी रिंग बना जिसको हम वैस्कुलर कैम्बियम रिंग, ठीक है। देन उसके बाद पेरिसाइकल का वो वाला हिस्सा जो वैस्कुलर कैम्बियम रिंग बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो क्या बनाता है, वो एक्ट करता है कॉर्क कैम्बियम की तरह। तो पहली बात तो आपको यहाँ पे एंड लगाना है, एंड एंड लगाइए जल्दी से नोट्स में, एंड 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 लगाइए जल्दी से, लगा लिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो जगह खाली है यहाँ पे आपको वो डायग्राम चिपका लेना है जो अभी मैंने बनाया है, यहाँ पे वो वाला डायग्राम आपको चिपका लेना है, कौन वाला, जो अभी मैंने बनाया था, ये डायग्राम में क्लियरिटी के साथ सब कुछ पता चलता है, ठीक है। आप चाहो तो एंडोडर्मिस बना के मिटते हुए दिखा देना, आपकी मर्जी पर, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ देखो मैंने फाइनल कंक्लूजन लिख दिया जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि इंट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट रूट में कंजक्टिव पेरेन्काइमा प्लस पेरिसाइकल की एक्टिविटी की वजह से होता है, दोनों वीसीआर की तरह करते हैं, वीसीआर का फॉर्मेशन करते हैं, यू बोलो, और एक्स्ट्रा स्टीलर केवल पेरिसाइकल की वजह से होता है जो कॉर्क कैम्बियम की तरह एक्ट करता है, जो डाइकोट सिस्टम में कॉर्क कैम्बियम बनता है। बाकी अब मैं डिटेल मैकेनिज्म मतलब डिटेल स्टेप्स ले रहा हूँ कि डाइकोट रूट में एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ और इंट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ होता कैसे है? अगर यहां तक अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सबसे पहले रिवा, डाउट है? अतीक? नो सर। राजेश्वरी? नो सर। चलिए यहां तक जल्दी से देखिए, अगले मीटिंग में समाप्त करते हैं।